अगली खबर में बात करते हैं नसरुल्लागंज की, जहां मध्य प्रदेश शासन वन विभाग भोपाल वन मंडल सीहोर वन परिक्षेत्र लाड़कुई वन परिक्षेत्र लाड़कुई के अंतर्गत ग्राम रतनपुर एवं सनकोटा में मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल मध्य प्रदेश शासन वन विभाग द्वारा स्कूली विद्यार्थियों को इको पर्यटन एवं प्राकृतिक संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु तथा इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके तहत अनुभूति कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं को वन भ्रमण कराया गया और वन प्राणियों के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें वन विभाग के तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मैं अब्दुल बसीर खान, रिटायर्ड डिप्टी रेंजर, मास्टर ट्रेनर इको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल और मध्य प्रदेश वन विभाग वन मंडल सीहोर का मास्टर ट्रेनर हूँ और इस रूप में अनुभूति कार्यक्रम में प्रेरक के रूप में यहाँ पर आज लाड़कुई रेंज के सनकोटा स्थान पर स्कूली छात्र छात्राओं को यहाँ पर वन पर्यावरण, वन्य प्राणी, पर्यावरण और अन्य संबंधित जानकारी विस्तृत रूप से यहाँ पर जंगल में उनको घुमा फिरा कर दिखाया गया और उसके बाद दोपहर के बाद जो हम लोगों ने इस वन भ्रमण कराकर उनको जो भी सिखाया गया था उसके बारे में एक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम यहाँ आयोजित कर रहे हैं और उसके बाद कुछ कंपटीशन आपस में रखे थे और उन्हें उनको पुरस्कार यहाँ पर दिलवाया गया है। मध्य प्रदेश शासन वन विभाग इको पर्यटन विकास बोर्ड और शिक्षण लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से आयोजित जिला सीहोर के अंतर्गत वनमंडल सीहोर वन परिक्षेत्र लाड़कुई के सनकोटा में शालेय छात्र छात्राओं का कार्यक्रम अनुभूति में प्रेरक के रूप में उपस्थित हुआ, जहां वन पर्यावरण, वन्य प्राणी, वृक्ष, वृक्ष परिचय और आदरण परम श्रद्धेय मोदी जी के कार्यक्रम 3P प्रो प्लैनेट पीपल के संबंध में इन्हें समझाइश दी गई और इन्हें हम भविष्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उपयोग करने के लिए तैयार कर रहे हैं। बच्चों में वन वन्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम जी और इसके पत्ते जो हैं, इसके पत्तों को पानी में उबाल करके और ठंडा करके रख लिया जाता है, उसे तो सबसे पहले सनकोटा सनकोटा की बालिका एक नंबर पे के बाहर खड़ी रहे। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में वन मंडल सीहोर वन परिक्षेत्र लाड़कुई के अंतर्गत